हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने इससे पहले बहुत सारे मेरे लेक्चर्स को अटेंड किया होगा। अगर आपको किसी तरह की और कोई भी रिक्वायरमेंट महसूस हो रही हो कि मैम प्लीज इस सब्जेक्ट पर आप अपना एक लेक्चर बनाइए, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम आपको तीन चार प्रकार की थ्योरीज है, पहले वो थ्योरीज एक्सप्लेन करेंगे और उससे पहले मैं उसके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कर करके डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर आता है कि द मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। कहने का मतलब यह है कि किसी भी फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, उस कैपिटल स्ट्रक्चर में एटलीस्ट हम इक्विटी की कितनी क्वांटिटी लेते हैं और डेब्ट की कितनी क्वांटिटी लेते हैं, देन द मिक्सचर ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी अफेक्टेड द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। तो हमारा जो मिक्सअप का जो रेशियो होगा, द रेशियो इज अफेक्टेड द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, देन एनी फर्म विच यूज्ड डेब्ट कैपिटल इन हिज कैपिटल स्ट्रक्चर्स, देन द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म विल बी ऑल्सो अफेक्टेड। अगर कोई फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट और इक्विटी दोनों को यूज कर रही है उसके टोटल कैपिटलाइजेशन में, तो फर्म की टोटल वैल्यू जो होगी वो नेचुरली अफेक्टेड होगी, ये बात हम सभी जानते हैं। देन द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल ऑफ अर्निंग। सबसे पहले ऑन विच द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज डिपेंड, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिस पर फर्म की टोटल वैल्यू डिपेंड करती है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल द पोटेंशियबिलिटी ऑफ अर्निंग, कि फर्म की अर्निंग की पोटेंशियबिलिटी कितनी है, फर्म का अर्निंग का लेवल क्या है, अर्निंग का क्राइटेरिया क्या है, अर्निंग की स्केल क्या है। देन द अर्निंग स्केल एंड पोटेंशियबिलिटी ऑफ अर्निंग इज अफेक्टेड द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। नेक्स्ट फैक्टर्स होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जो कॉस्ट आपने जिसपे कैपिटल्स को हायर किया है, तो सब सेकेंड जो फैक्टर होता है वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट इज ऑल्सो अफेक्टेड द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, कि हमने फर्म को किस कॉस्ट पर कलेक्ट किया है। सो द मैनेजमेंट शुड सेलेक्ट सच पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन विच द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज। तो मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट, मैनेजमेंट को इस प्रकार का एक लेवल को अडॉप्ट करना चाहिए वेयर जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैपिटल स्ट्रक्चर इस परफॉर्मा में होना चाहिए where our total value of firm is high and cost of capital is lower. आपकी firm की value high हो और आपकी cost of capital lower हो, management को एक ऐसे best pattern को adopt करना चाहिए which is the mix up of debt and equity both, जिसमें हमारी दोनों प्रकार की capital हो और उन दोनों प्रकार की capital के mix up से हम एक अच्छा जो है हमारी firm की value को high कर सके। तो इस पूरी समराइज्ड टॉपिक का मीनिंग ये है कि फर्म की टोटल वैल्यू को अफेक्टेड करने वाले वेरियस पॉइंट्स होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अर्निंग कैपेबिलिटी। तो हमें एक ऑप्टिमम रेशियो जो है एक पैटर्न में एक जो है उसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर को, जहां पर हमारी टोटल वैल्यू हाई और कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोअर हो। देन मैनेजमेंट हैज मेनी ऑप्शंस, मैनेजमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि विच थ्योरी विल बी अडॉप्टेड, कि उसको कौन सी थ्योरी को अडॉप्ट करना है। तो वेरियस टाइप्स की आपके पास थ्योरीज है, तो इम्पोर्टेंट थ्योरीज जो है जिसकी मैनेजमेंट स्टडी करता है अपनी फर्म की टोटल वैल्यू को हाई करने के लिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लोअर करने के लिए, मैनेजमेंट के पास वेरियस टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं। वेरियस टाइप्स की जो थ्योरीज है वो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दी हुई होती है। उन थ्योरीज में से सबसे पहली है नेट इनकम थ्योरी। नेट इनकम थ्योरी इट इज प्रोवाइड बाय डेविड ड्यूरम। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी अगेन डेविड ड्यूरम। MM थ्योरी, मोदी गिलियानी मिलर थ्योरी एंड अगेन है ट्रेडिशनल थ्योरी। तो मैनेजमेंट को इन सभी थ्योरीज को अडॉप्ट करना होगा और इन सभी थ्योरीज के बिहाव पे मैनेजमेंट को अपनी फर्म की टोटल वैल्यू को हायर करना होगा। देन फर्स्ट आता है आपका नेट
आपके सामने कुछ थ्योरी दी हुई है, नेट इनकम थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर की एंड इट इज प्रोवाइड बाय डेविड ड्यूरेंट ने इस थ्योरी को आपको प्रोवाइड किया। एंड डेविड ड्यूरेंट सेज दैट चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। डेविड ड्यूरेंट का कहना है कि अगर आपकी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इट मीन्स आपने इक्विटी, डेब्ट, लोन, प्रेफरेंस शेयर, ये कुछ इस स्टाइल से आपने इश्यू कर रखा है, अब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मींस इक्विटी है और डेब्ट है, देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर, इट मे बी पॉसिबल, और आपने कर लिया कि आपने 6 की तो इक्विटी इश्यू कर दी है, और रिमेनिंग आपकी कितनी है 10 की है, तो 4 का आपका डेब्ट एज इट इज है, या आप सोच लीजिए यहाँ डेब्ट, यहाँ आपकी इक्विटी 2 की थी और डेब्ट 3 का था, ये हो गया। अब आपका क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू डेविड ड्यूरेंट चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में टोटली चेंज हो गया, यहाँ पर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग स्टाइल का है और यहाँ पर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग स्टाइल का है। अफेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्टेड करेगा एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म ऑल्सो, और आपकी फर्म की जो टोटल वैल्यू आपको कैलकुलेट करना, वैसे तो न्यूमेरिकल से बता चुके हैं और आगे बताएंगे, तो ये इन दोनों चीजों को अफेक्टेड करता है आपके, केवल मात्र आपने स्ट्रक्चर में चेंज किया है और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज हो जाएगी और फर्म की टोटल वैल्यू ऑफ ये भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि इंक्रीज द रेशियो ऑफ डेब्ट, इंक्रीज द रेशियो ऑफ डेब्ट, डेब्ट का रेशियो इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज द रेशियो ऑफ डेब्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट का रेशियो जो है वो इंक्रीज हो गया है एंड इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उसका रिजल्ट होता है कि डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, इंक्रीज द लेवल ऑफ डेब्ट कैपिटल, डेब्ट कैपिटल का रेशियो जैसे ही आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में हाई होगा, इट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपकी लोअर हो जाएगी, मुझे स्मॉल में लिखने की आदत पड़ चुकी है, वो आपकी हो जाएगी एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म विल बी हाई, और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो आपकी हाई हो जाएगी। तो डेविड ड्यूरेंट कहना चाह रहा है कि किसी भी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में इफ वी इंक्रीज द रेशियो ऑफ डेब्ट कैपिटल देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिड्यूस एंड द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म विल बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरी। सो द फर्म शुड यूज्ड maximum debt capital, so the firm should use the maximum debt capital, इसलिए फर्म को ज्यादा debt capital को use करना चाहिए अपने capital structure में, फर्म को debt का ratio थोड़ा high कर देना चाहिए in her capital structure, अपने capital her or his या its capital structure में फर्म को क्या करना चाहिए, debt को थोड़ा सा high करना चाहिए, so return on equity will increase, इससे क्या होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी विल इंक्रीज, यहाँ तो मैंने आपके इक्विटी को हायर किया है और यहाँ मैंने आपके डेब्ट को हायर किया है, तो हम थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज कर लेते हैं, 8000 की आपकी कैपिटल थी और मैं यहाँ आपका इस स्टाइल से ये कैपिटल स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो ये समझ गया। अब ये क्या कह रहा है, जहाँ हमने डेब्ट कैपिटल को हायर किया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो गई, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म हायर हो गई, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट और पड़ेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी विल ऑल्सो हाई, इससे क्या इफेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू डेविड ड्यूरेंट की हम जो इक्विटी पर दे रहे हैं वो रिटर्न हमारी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर विल ऑल्सो हाई, मार्केट वैल्यू जो होगी या मार्केट प्राइस जो होंगे हमारे शेयर के वो अगेन हाई हो जाएंगे एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म अगेन हाई, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो फिर अपनी फर्म की हाई हो जाएगी। Then the optimum capital structure of a firm will be at level where cost of capital lower and total value of firm. अब आपकी फर्म को एक ऑप्टिमम लेवल कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज करना है कि एटलीस्ट सिक्योरिटी में मिक्सअप क्या हो, किस स्टाइल की सिक्योरिटीज को हम लें। तो जब फर्म इस स्टाइल का एक ऑप्टिमम लेवल चूज करती है तो ऑप्टिमम लेवल वो होगा वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज हाई एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोअर। डेविड ड्यूरेंट की थ्योरी को वापस बता रही हूँ, फर्स्ट थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी थी, डेविड ड्यूरेंट ने दिए, अकॉर्डिंग टू डेविड ड्यूरेंट रियल में फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस का फर्म की टोटल वैल्यू पर अफेक्टेड पड़ता है।
the changes in capital structure is also affected the total value of firm, क्योंकि total structure में change करते ही cost of capital में change हो जाता है. हमें debt को ज़्यादा मात्रा में adopt करना चाहिए, equity को lower हो तो भी चलेगा, debt की quantity high होनी चाहिए. debt की मात्रा high होने की वजह से हमारे capital structure में rate of return on equity है वो high हो जाएगी, market price share का बढ़ेगा, share का market price बढ़ेगा तो firm की total value again high हो जाएगी. और firm की total value अगर high होती है तो फर्म को इसके पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो मिलने लग जाएंगे. तो ये कहना चाह रहा था डेविड ड्यूरम. अब अजम्पशंस क्या है डेविड ड्यूरम की, अजम्पशंस क्या है, उसने क्या क्या बताया है. तो डेविड ड्यूरम कहना चाह रहा है नो टैक्सेस, तो देयर इज नो टैक्स, टैक्स का तो कोई ऑप्शन ही नहीं, देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, गवर्नमेंट किसी स्टाइल का कोई टैक्स आपकी फर्मों पर नहीं लगा रही है. सबसे पहली अजम्पशंस ये है. उसके बाद सेकेंड अजम्पशंस है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. ये आपको कह रहा है कि आपको इक्विटी कैपिटल लेने में और डेब्ट कैपिटल लेने में से डेब्ट कैपिटल इज मोर चीपर इन कंपैरिजन देन इक्विटी कैपिटल. आप जो इक्विटी शेयर इशू करते हैं उन पर आपको ज़्यादा रिटर्न देना पड़ता है, और अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो आपको लोअर जो है वो देना पड़ता है. Then the cost of equity is too much high in comparison than cost of debt. तो आपको debentures issue करना बहुत सस्ता पड़ रहा है. Second assumptions है. Third assumptions, use of capital structure does not change in the risk percentage. अब अगर हम debt का use कर रहे हैं हमारे capital structure में, आपने debentures issue कर दिए, loan ले लिया, कुछ भी ले लिया capital structure में, तो ये कह रहा है कि रिस्क फैक्टर इज रिमेनिंग कांस्टेंट. रिस्क के परसेंटेज में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है. रिस्क का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है आपका, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं होता. देन देयर इज नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर्स पर डेब्ट को इश्यू करने का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. रिस्क फैक्टर में कोई चेंज नहीं होता है. तो यहाँ तक हो गई ये इसकी तीन assumptions थी. अब जो इसने formulas use किए हैं वो formulas देख लीजिए आप.